धम्मदायक सभासद बनो, धम्मदायक सभासद बने। हमें आदर्श बौद्ध बनना है, अपने प्रिय परिवार को आदर्श बौद्ध परिवार बनाना है। हमें बुद्ध विहार के साथ जुड़ जाना है, बुद्ध धम्म के साथ और महान बौद्ध शासन के साथ जुड़ जाना है। बौद्ध शासन का हमें अंग बनना है। हम मंगलमय महान शक्तिशाली महान पुण्य का क्षेत्र धारण किए हुए बुद्ध शासन से वंचित ना रहे, बुद्ध के अनंत पुण्य बल से और धम्म के अनंत आशीर्वाद से हम वंचित ना रहे। बुद्धवाणी है, बुद्ध कहते हैं, अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति। बुद्ध शासन की सेवा में, भिक्षु संघ की सेवा में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पुण्य बल समाया हुआ है। भिक्षु संघ पुनर्जन का महान क्षेत्र है, वो उत्तम फलदायी जमीन जैसा है। उत्तम जमीन में थोड़ा सा भी बोने के बाद भरपूर फसल मिलती है, ऐसे ही भिक्षु संघ सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र माना जाता है। ये बुद्धवाणी है। धम्म से हम कैसे अपने आप को जोड़े, अपने अंतर मन को कैसे हम बुद्ध विहार के साथ जोड़ ले। बुद्ध विहार यानी बुद्धिस्ट टेम्पल धम्म का महान केंद्र माना जाता है। बुद्ध विहार धम्म प्रशिक्षण, ध्यान भावना, विपस्सना भावना और वंदना तथा पूजा का पवित्र स्थल होता है। बुद्ध विहार में भिक्षु संघ का निवास स्थान होता है, जहाँ भिक्षु संघ विहार करता है, विहरता है, रहता है, उसे ही बुद्ध विहार कहते हैं पाली भाषा में। बुद्ध विहार बुद्ध धम्म का, उसके संरक्षण का तथा प्रचार प्रसार का महान केंद्र होता है। बुद्ध विहार में सुंदर भव्य पवित्र बुद्ध मूर्ति होती है। तथागत भगवान बुद्ध कोई दंत कथा के या कथा कहानियों के काल्पनिक पात्र नहीं है, काल्पनिक पुरुष नहीं है। बुद्ध ऐतिहासिक सत्य पुरुष होने का प्रमाण है। उनका उनके द्वारा निर्माण किया हुआ भिक्षु संघ की निर्मिति लोग कल्याण के लिए महान करुणा भाव से भिक्षु संघ की निर्मिति तथागत भगवान बुद्ध ने ही अपने हाथों से की। उन्होंने भिक्षु संघ बनाया। अनंत महान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद वे स्वयं एक साधे सरल भिक्षु का जीवन जीते रहे। बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए भिक्षु संघ बनाया, उन्हें महान धम्म की देशना दी और महान शील सदाचार का पालन करते हुए वे स्वयं एक भिक्षु का जीवन जीते रहे हैं। उन्होंने विनय बनाया, विनय के आदर्श, उच्च सदाचार के नियमों की निर्मिति की, उन्हें ही विनय पिटक कहा जाने लगा। उन्होंने भिक्षु संघ की आदर्श आचार संहिता बनाई और स्वयं उस पर जीवन भर वे चलते रहे हैं। भिक्षु संघ के ही साथ वो रहते थे। महान भिक्षु संघ के बीच उनका 2600 साल पहले एक वैशाख पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण के समय पर भी, अपने मृत्यु के शय्या पर भी, उन्होंने भिक्षुओं को
मंगलकारी उपदेश दिया और भिक्खु संघ के सामने ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तब से उनका बनाया भिक्खु संघ उनके वाणी को, उनके धम्म उपदेशों को प्राण ज्योति की तरह संभालते हुए ला रहा है। बुद्ध वाणी त्रिपिटक भिक्खु संघ ने बड़े पूज्य भाव से संभाला है। त्रिपिटक को जीवन में धारण करके लोग हित के लिए वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए उन्हें संभाल के रखा है। आज बुद्धवाणी पाली भाषा में त्रिपिटक में मूल रूप से संभाल कर लाई जा रही है। बुद्ध के काल में उस त्रिपिटक को, उसके 84,000 धम्म सूत्रों को भिक्षु संघ ने कंठस्थ करके उन्हें जुबानी याद करके संभाला है। बाद में ताल के पत्तों पर उसे लिखकर संपूर्ण बुद्ध वाणी का बुद्ध विहारों में संरक्षण किया गया है। फिर जब कागज की खोज लगने के बाद उन्हें कागजों पर लिखा गया, पहले हाथों से कलम से लिखा गया, फिर प्रिंटिंग प्रेस में छपाकर उन्हें बड़े ग्रंथों के रूप में संभाला है। भिक्खु संघ ने यह बड़ा दुष्कर कार्य किया है। पवित्र बुद्ध विहारों में त्रिपिटक पढ़ाया जाने लगा, उसे बुद्ध विहारों में पूज्य भाव से बड़े धन संपदा की तरह भिक्खु संघ ने संभाल कर रखा। वही त्रिपिटक आज वर्तमान समाज के हम सभी लोगों को मिला है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी वही त्रिपिटक मिला। बाबा साहब ने त्रिपिटक पर त्रिपिटक बाबा साहब ने पढ़ लिया, उसका गहन अध्ययन किया। त्रिपिटक के बुद्ध वाणी से उन्हें महान शक्ति मिली, उन्हें महान प्रेरणा मिली, त्रिपिटक के महान बौद्ध धम्म मिला उन्हें त्रिपिटक से। बाबा साहब उससे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने तथागत बुद्ध को अपना सर्वोत्तम प्रथम गुरु माना और बुद्ध के महान उपदेशों से अपने जीवन को महान ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचा दिया। वे महान लोग हित का जीवन जिए, बोधिसत्व का जीवन जिया है बाबा साहब ने। बौद्ध मार्ग पर चलकर बौद्ध बनकर उन्होंने अपना परम उद्धार किया तथा करोड़ों लोगों का वे उद्धार कर पाए। वे स्वयं सद्धम्म के मार्ग पर चले और लाखों लोगों को बौद्ध धम्म के मार्ग पर लाया। उन्होंने 5,00,000 लोगों को 1956 में नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, लाखों लोगों को बौद्ध बनाया। पवित्र महान त्रिपिटक के आधार पर ही उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम से अंग्रेजी में महान ग्रंथ लिखा। बुद्ध का जीवन, भिक्खु जीवन तथा त्रिपिटक को उन्होंने अपने ग्रंथों में अनुवादित किया, उसे प्रकाशित किया, बुद्ध को तथा उनके धम्म को प्रकाश में लाया बाबा साहब ने। लोगों को उन्होंने कहा है कि मैं भी धम्म मार्ग से चलकर महान बना हूं, आप भी उसी रास्ते पर चलकर महान बनो, बड़े बनो, अपने मनुष्य जीवन का परम उद्धार करो, परम उद्धार करो, बुद्ध विहार बनाओ। हर इतवार के दिन कम से कम हफ्ते में एक बार बुद्ध विहार में अपने परिवार के साथ, लड़के बच्चों के साथ जाया करो। बुद्ध वंदना कहना सीखो, बुद्ध धम्म को पढ़ो, धम्म को अपने जीवन में उतारो,
सद्धम के रास्ते पर चलो, आपका बहुत कल्याण होगा, बहुत हित होगा। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध दीक्षा लेने के पहले भी वर्ली मुंबई में जो बिरला ने बनाया हुआ बुद्ध विहार है, जापानी बुद्ध विहार उसे कहते हैं, उस जापानी बुद्ध विहार में वे जाते थे, वे दिल्ली के बुद्ध विहार में जाते थे। धम्म दीक्षा तो उन्होंने 1956 में ली थी, लेकिन उसके कई साल पहले से वे मुंबई के जापानी वर्ली बुद्ध विहार में जाते थे। 1954 को उन्होंने पुणे के नजदीक देहू रोड में बुद्ध विहार बनवाया और दीक्षा के 2 वर्ष पहले ही वहां उन्होंने बुद्ध मूर्ति बिठाई है। उसी तरह उन्होंने 1954 में ही चक्की पाठ आगरा के बुद्ध विहार में बुद्ध मूर्ति बिठाई थी। वे बुद्ध विहार से जुड़ गए थे, वे स्वयं बुद्ध विहार में जाते थे और उन्होंने बड़े दूर दृष्टि से बताया कि आप भी गांव गांव में, शहरों में बुद्ध विहार बनाओ, वहां बुद्ध मूर्ति रखो, बुद्ध पूजा वंदना करना सीखो, बुद्ध धम्म के साथ जुड़ो, बुद्ध शासन के साथ जुड़ो और अपने जीवन को धन्य धन्य करो। हर इतवार के दिन हफ्ते में एक बार बुद्धिमान उपासक उपासिकाओं ने बुद्ध विहार में जाना ही चाहिए, ऐसा कल्याणकारी उपदेश बाबा साहब ने ही दिया है। उनके आदेशों को मानकर समाज बौद्ध बना है। उन्होंने 5 लाख लोगों को दीक्षा दी। आज करोड़ों की संख्या में बुद्धिमान लोग बौद्ध बनकर मंगलमय जीवन जी रहे हैं। आज हमने छोटे बड़े हजारों बुद्ध विहार बनाए हैं और बड़े गौरव से, बड़े स्वाभिमान से धम्म मार्ग पर चल रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है। हमें धम्म मार्ग पर और भी बहुत प्रगति करना है। अच्छे अच्छे बुद्ध विहार बनाकर उसके साथ हमें तन मन से जुड़ जाना है। बौद्ध देशों में हरेक बौद्ध उपासक, हरेक उपासिका बुद्ध विहार के साथ अपने प्राणों से जुड़ जाते हैं। वो अपना जीवन धम्म से पवित्र बनाते हैं, मंगलमय बनाते हैं। वहां का हर एक व्यक्ति, परिवार के छोटे बड़े सभी लोग बुद्ध विहार से जुड़ जाते हैं। नौजवान लोग, माता पिता, बड़े बूढ़े, सभी लोग धम्म से जुड़ जाते हैं, बुद्ध विहार से जुड़ जाते हैं। जीवन के हर एक मंगलकारी प्रसंगों पर, जैसे कि जन्मदिन का प्रसंग, जन्मदिन का उत्सव, शादी ब्याह का कार्य, शादी की सालगिरह उत्सव, नौकरी धंधा लगने का मंगल आरंभ उत्सव, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने का मंगल संकल्प, कोई काम धंधा या बिजनेस शुरू करने का उत्सव, नया मकान बनाना, नए मकान में रहने के लिए जाना, नई स्कूटर या मोटर कार आदि खरीदने का हर्ष आनंद उत्सव, स्कूल कॉलेजों की परीक्षा पास होने का उत्सव, किसी प्रवास यात्रा पर जाने का आनंद उत्सव, तो कभी जमीन खरीदने या बेचने का आनंद उत्सव, ये बुद्ध विहार में जाकर मनाते हैं। बुद्ध विहार में जाकर ऐसे मंगल कार्यों को वे सेलिब्रेट करते हैं। धम्मवान बुद्धिमान उपासक उपासिकाओं का जीवन, जीवन के सभी मंगल प्रसंग बुद्ध विहारों से जुड़े होते हैं। वहां के बौद्ध
अपने परिवार के हर एक मंगल अवसरों को बुद्ध विहारों में सेलिब्रेट करते हैं। धम्म का स्मरण करके, बुद्ध विहार का स्मरण करके, बुद्ध वंदना करके ही उनका मंगलमय हर एक दिन शुरू होता है। परिवार के हर एक मंगलमय प्रसंगों पर वे बुद्ध विहार में जाते हैं और ऐसे कार्य बुद्ध विहार में ही करने का प्रयास करते हैं। हमें भी बौद्ध देशों से, बौद्ध परंपरा से कुछ अच्छी बातें सीखनी हैं। अपने को तथा अपने परिवार को बुद्ध शासन के साथ, बुद्ध विहार के साथ जोड़ना है। बुद्ध धम्म का महान अनंत पुण्य लाभ हमें पाना है। कैसे बुद्ध विहारों से जुड़ेंगे, कैसे बुद्ध शासन का पुण्य लाभ पाऊंगे? हमने धम्मदायक सभासद का अभियान शुरू किया है। हर एक बौद्ध परिवार ने बुद्ध विहार के साथ जुड़ना है। हर एक परिवार ने बौद्ध धम्म का दायक बनना है, बुद्ध विहार का दायक सभासद बनना है। हमें बौद्ध धम्म के महान मंगल मैत्री का, मंगल आशीर्वाद का अधिकारी बनना है हमें अपने जीवन में। तथागत भगवान बुद्ध की मंगल मैत्री और उनका मंगल आशीर्वाद है लोगों के लिए। परित्राण में बुद्ध कहते हैं, बुद्ध वाणी है, विपत्ति पटी बहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं सब भया विनाशाय सब दुखा विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं। यानी जो धम्म के दायक है, जो धम्म को दान देने वाले होते हैं, जो धम्म से जुड़े होते हैं, जो बुद्ध विहार से जुड़े होते हैं, जो धम्म मार्ग पर चलते हैं, उन्हें हमेशा लंबी उम्र मिले, उनके धन संपदा की सुरक्षा हो, उनके लड़के बच्चों की सुरक्षा हो, उनका संरक्षण हो, किसी बीमारी से, आपत्ति विपत्ति से उनकी सुरक्षा हो, धम्म के महान पुण्य बल से उनकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, धम्म उनकी सर्वोपरि सुरक्षा करे। जो धम्म के दायक बनते हैं, जो धम्म के रास्ते चलते हैं, विश्व का महान सद्धम्म दृश्य अदृश्य रूप में हमेशा उनकी रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा होती है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। और भी बुद्ध वाणी है, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम हि च धम्मो हवे रखति धम्मचारी। यानी जो धम्म से जुड़कर चलते हैं, जो धम्मचारी है, यानी सद्धम्म के मार्ग पर सुचारू ढंग से चलने वाले हैं, जो सुंदर सुचरित्रवान है, शील सदाचार का पालन करने वाले जो होते हैं, जो धम्म के दायक होते हैं, धम्म उन धम्मचारी व्यक्ति की, उसके परिवार की हर एक आपत्ति विपत्ति से, हर एक दुख संकटों से उनकी रक्षा करता है,
उनकी दृश्य अदृश्य रूप में सुरक्षा होती है। जो कोई धम्म के रास्ते पर नहीं चलता उन्हें विश्व के महान सद्धम्म से ऐसी गारंटी, ऐसी सुरक्षा नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। सद्धम्म से, सदाचार से दूर रहने वाले व्यक्ति धम्म द्वारा रक्षा सुरक्षा के अधिकारी नहीं होते। आओ धम्म का दायक बने, सद्धम्म का दान देने वाले दायक सभासद बने, धम्म को संभालने वाले, उसे पूज्य भाव से शीर पर लेकर जाने वाले बने। सद्धम्म लोगों के सेवा कार्य से, लोगों के दान कार्य से ही, त्याग और सेवा से ही चलता है। अच्छा बुद्ध विहार लोगों के दान से ही, लोगों के त्याग और सेवा से ही चलता है। हमें बुद्ध धम्म के प्रमुख केंद्र यानी बुद्ध विहार बनाने हैं, अच्छे बुद्ध विहार निर्माण करने हैं, बुद्ध विहारों की सेवा सुरक्षा करनी है। उसके लिए अपनी शक्ति सामर्थ्य से दान देना है, सेवा करना सीखना है, बुद्ध विहार का दायक सभासद बनना है हमें। अभी हमने विश्वविख्यात धम्मगुरु डॉक्टर पूज्य भदंत राहुल बोधि महाथेरो विपश्यनाचार्य, संस्थापक विश्वविख्यात सर्वोदय महाबुद्ध विहार मुंबई, इनके मार्गदर्शन में बुद्ध विहारों से जुड़ने का संकल्प किया है, संकल्प करना है, प्रतिज्ञा करके दायक सभासद फॉर्म भर के केवल 100 रुपयों का बुद्ध विहार का दायक सभासद फॉर्म भरना है। बुद्ध धम्म का स्मरण करके, बुद्ध विहार का स्मरण करके शुरू में कम से कम 100 रुपया का हरेक सेवाभावी व्यक्ति ने एक फॉर्म भरना है, एक ही बार 100 रुपया देना है। बाद में 2-3 महीने के बाद, 4-6 महीने के बाद कभी मन में आया तो 500 रुपया, 1000 रुपया या कम अधिक अपने शक्ति सामर्थ्य से बुद्ध विहार को दान दे सकते हैं, अपने स्वइच्छा से बाद में दान दे सकते हैं। नहीं दिया तो भी चलेगा, दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, लेकिन शुरू में एक बार 100 रुपया देकर बुद्ध विहार का सच्चा दायक बनने का संकल्प करे, दान देना सीखे, धम्म का लाभ लेना सीखे। बौद्ध धम्म के बड़े बड़े महान बुद्ध विहार दान सेवा से ही बने हैं, वो दान और सेवा से ही बनते हैं। मंगल संकल्प करे, मुझे आज से धम्म का दायक बनना है, मेरे अंतर मन से मुझे बुद्ध विहार के साथ जुड़ना है। शुरू में केवल 100 रुपयों का फॉर्म भरना है। सभी ने दान देना सीखना है, दान पारमिता का अभ्यास जीवन का बड़ा मंगलदायी अंग है। दान देना सभी ने सीखना है, धनी अमीर आदमी ने भी दान देना है, मध्यम वर्ग के आदमी ने भी दान देना है, तथा गरीब से गरीब आदमी ने भी अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, छोटा क्यों न हो, कम से कम क्यों न हो, लेकिन मेरे पवित्र हाथों से मुझे दान देना सीखना है। मेरे लड़के बच्चों को बचपन से ही दान देना सिखाना है, हमें दान पारमिता का अभ्यास करना सीखना है।
ध्यान में रखिए, दान पारमिता व्यक्तिगत होती है। हम कितना देते हैं, क्या देते हैं, महत्व का नहीं है, लेकिन दान देने की चेतना, दान देने की भावना और प्रत्यक्ष अपने पवित्र हाथों से देना, ये अपने पवित्र हाथों से सेवा करना, दूसरों को सुख शांति देने के लिए कुछ करना, मेरे ही जीवन में मेरी दान पारमिता दृढ़ करता है। मेरे द्वारा की गई दान पारमिता भविष्य में मेरे ही महान कल्याण का आधार बनती है, मेरे पवित्र जीवन की रक्षा करने वाली बनती है। आओ हम दान देने वाले बने, धम्म की रक्षा करने वाले बने। त्रिरत्नानुभाव से बुद्ध शासन के अनंत महान पुण्य बल से आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम।